हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोर्ट फॉर एजुकेशन में। ये है सीएसएस का पार्ट 23। इसके अंदर हम देखेंगे आपका सीएसएस टैक्स ओवरफ्लो के बारे में कि किस तरीके से टैक्स ओवरफ्लो को यूज करना चाहिए सीएसएस के अंदर, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैस की गाइस, मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया आपका सीएसएस फुल टोटल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आपको मेरी किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके आप अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं। एंड ऑल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स भी नीचे मिलेंगे, वहां जाएं और फॉलो कर सकते हैं आप। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं टैक्स ओवरफ्लो को। तो यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन रखा है, इसको पहले रीड कर लेते हैं। अ टैक्स ओवरफ्लो प्रॉपर्टी इन सीएसएस इज यूज्ड टू स्पेसिफिक दैट सम टैक्स हैव ओवरफ्लो एंड हिडन फ्रॉम व्यू। द वाइट स्पेस प्रॉपर्टी मस्ट बी सेट टू नो रैप एंड द ओवरफ्लो प्रॉपर्टी मस्ट सेट टू हिडन। द ओवरफ्लोइंग कॉन्टेंट कैन बी क्लिप्टेड डिस्प्ले एंड इलिप्स और डिस्प्ले अ कस्टम स्ट्रिंग। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को यूज करने की जो प्रॉपर्टी है उसकी दो प्रॉपर्टी डिपेंडेंसी है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी है टेक्स्ट ओवरफ्लो, तो उससे पहले आपको करना होगा जो मैंने प्रीवियस कुछ क्लासेस में पढ़ाया आपको, व्हाइट स्पेस वो और ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी, इन दोनों को यूज करना होगा। व्हाइट स्पेस के अंदर आपको नो रैप यूज करना है और ओवरफ्लो के अंदर आपको हिडन यूज करना है, तभी जाके आपकी ये प्रॉपर्टी वर्क करेगी। ओके, और इसके अंदर जो हमारे को बाय डिफॉल्ट जो इसकी टैक्स ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी रहती है, इट मींस की वैल्यू रहती है, वो आपकी क्लिप रहती है। और जो एक इसके अंदर हमें मिलती है वो है इलिप्स। ओके, इलिप्सिस करके। और इसको यूज कैसे करते हैं वो देखेंगे। अब देखिए इसका मकसद क्या है, इसको क्यों यूज करेंगे आप इसको यूज करेंगे जब आपका कोई कंटेंट और आप पे एरिया कम है और आपका टेक्स्ट बहुत ज्यादा है और आप ये दिखाना चाहते हैं यूजर को कि आप इस टेक्स्ट के अलावा भी इसके अंदर और टेक्स्ट है, तो वहां पे आप डॉट डॉट ऐड करवा सकते हैं। तो वही सेम चीज है, आपने ये चीज देखी होगी, कंडीशन बेस्ड होती है पीएचपी में, जावास्क्रिप्ट में, ये किसी भी बैकएंड लैंग्वेज या फ्रंट एंड लैंग्वेज में जो कंडीशन बेस्ड हम कर सकते हैं चीजें, बट यही सेम चीज हम सीएसएस के थ्रू भी कर सकते हैं टेक्स्ट ओवरफ्लो के अंदर। ओके, अगर इसके बाद मैं आपको दिखाऊं यहां पे, तो देखिए क्या है टेक्स्ट ओवरफ्लो की वैल्यूज। क्लिप मैंने आपको बताया डिफॉल्ट है, इलिप्सिस यूज करनी है आपको तो वो आपको क्या ऐड ऑन करके देगी, डॉट डॉट ऐड करके देगी। ओके, तो आप समझ गए ये दो वैल्यू आपको यहां पे मिलती है। तो चलिए इस चीज को प्रैक्टिकल करते हैं, तो यहां चलते हैं अपने एडिटर पे। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने एक फाइल बना रखी है पार्ट 23 सीएसएस टेक्स्ट ओवरफ्लो डॉट एचटीएमएल। ओके, सेम फोल्डर होने वाला है जिसके अंदर पूरा का पूरा कोर्स कवर होगा आपका। ओके, यहाँ पे H1 div, div के ऊपर एक क्लास ले रखी है बॉक्स। ओके, और यहाँ पे आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले मैं बॉक्स के लिए लिखेंगे थोड़ी सी सीएसएस। ठीक है, देखिए इसकी डिपेंडेंसी मैंने जो आपको बताई दो प्रॉपर्टी जो प्रीवियस जो पढ़ा चुका हूं मैं आपको, उसके ऊपर है तो उसको यूज करना मैंडेटरी है, तभी जाके ये चीजें चलेंगी आपकी। ओके, मैं यहां पे ले लेता हूं ब्लैक, इतनी चीज को करूं सेव। तो सेव करने के बाद आपको यहां पे विजिबल हो रहा होगा कि बॉर्डर आ चुका है और आपका टेक्स्ट यहां पे आपको विजिबल हो रहा होगा कि कुछ इस तरीके से। अब जैसी मैं यहां पे मैंने जो आपको दिखाया था व्हाइट स्पेस, तो व्हाइट स्पेस में नो रैप लगा दूं, अगर मैं करूं सेव, तो सेव करने के बाद में क्या होगा कि हमारा कॉन्टेंट ओवरफ्लो चला गया, कि मेरा जो विड्थ थी, जो मेरा डिव था वो तो 400 पिक्सल का है, बट मेरा टेक्स्ट बहुत ज्यादा है, वो ओवरफ्लो कर रहा है। तो उसको रोकने के लिए हमारे पास में क्या मिलता है, ओवरफ्लो हिडन। मैं करूंगा सेव, सेव करने के बाद में यहां पे ये पूरा सेव करके उसको हिडन कर देगा। बट यहां पे आप देखेंगे कि जो टाइप सेट है ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये बॉक्स के बिल्कुल एज में बिल्कुल चिपक रहा है, और यूजर को कैसे पता लगेगा कि इसके आगे टेक्स्ट है या नहीं। तो उस सिनेरियो में हमारे पास में यहां पे हमें मिलता है टेक्स्ट ओके ओवरफ्लो करके, इसके अंदर हम यहां पे यूज करेंगे प्रॉपर्टी को इलिप्स को एंड करेंगे सेव। एंड सेव करते ही यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि थ्री डॉट्स यहां पे आपको विजिबल हो भी रहे। ओके, तो ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, जब कभी भी आपको किसी भी ओवरफ्लो वाली चीज को जो टैक्स रिलेटेड होती है वो आपको यूज करनी है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं और इसके थ्रू आप यहां पे थ्री डॉट्स दिखा भी सकते हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं गाइस कि आपको टैक्स ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी समझ में आई होगी, थ्योरी और प्रैक्टिकल बोथ। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके आप अपना डाउट पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे आपका सीएसएस रिटर्न मोड के बारे में कि रिटर्न मोड है क्या और इसको किस तरीके से यूज करना चाहिए सीएसएस के अंदर, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जस्ट क्लिक टिल देन, बाय बाय गाइस।